तुम्हारे सपने तो घर की इज्जत, परिवार की शान, खानदान का नाम, ये सब का गठर बनाया और हम पे लाद दी। अगर रोज इतना बोझ उठाना पड़े तो धोबी का गधा भी नौकरी छोड़े। या तो ये बोझ मिलकर उठाई ले, वरना एक के नीचे दबके अपने दम घोटते। कभी कभी तो लगता है कि औरत होना भी एक प्रॉब्लम है। लड़के के पैदा होने पर लोग मिठाइयां बांटते हैं और लड़की के पैदा होने पर शोक मनाते हैं। कौन उन कम अकल वालों से पूछे तो जरा, अगर औरतें ना हो तो उनके राज दुलारे बेटे को कौन पैदा करे। सब तो बस बेटे के चाह में बच्चा पैदा किए जा रहे हैं। बेटे का तो पैदा होना ही गलत है, और अगर गलती से बेटी ने बेटी पैदा कर दी तो वो और भी गलत है। कोई इनका मकल बालों को समझाए कि लड़की बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री ना ही है। वो हंसती चलती बोलती सांस लेती सपने देखती इंसान है। वो बात अलग है कि सपने बस लड़कों के पूरे होते। लड़के तो सबकी आंखों का तारा होते और लड़की धूल का वो कण जो सबकी आंखों में चुभते है। इट्स अप टू अस कि जब हमारी बेटियां हो तो हम उन्हें हिम्मत करना सिखाएं ताकि वो चैन की सांस ले सकें। और अगर बेटे हो तो औरतों की इज्जत करना, उनको अपने बराबर की समझना। आज हमका एक पल के लिए लगा कि हम दोनों ननद भाभी नहीं है, अब हमने खुद की जीजी है। आदत बिगाड़ने की जरूरत नहीं है दुल्हन, वो काहे की ये बात तुमरी हमरी और नियोनिका की नहीं है, हर वो औरत की थी। तुम कितनी दोगली है। आप ऐसा बातें काहे कर रही है जीजी? वहाँ अंदर तो सबके सामने लड़कियों के हक की बात कर रही थी और यहाँ लल्ला के साथ मिलकर हमारा हक छीन रही। ये औरत के साथ नाइंसाफी नहीं है का? तुम्हें किसका साथ देना इमली, ये तुम सोचो, क्योंकि अपने बारे में सोचने के लिए तो सोनाली अकेली ही काफी है। और अब हम दादी अम्मा के सामने तुम्हारा सच लाने का कौन दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। दादी अम्मा को भी तो पता चले कि असल में इमली है कौन, वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, या फिर वो जो बड़ी बड़ी बातों के पीछे अपनी काली करतूतों को छुपा कर रखते थे। स्कूल में बच्चों की इतनी परीक्षाएं नहीं लेती राधा रानी जितनी तुम हम भी लेती हो। हम अपने स्वाभिमान को बोतल में डाल के नदियों में बहा के आएगा, और कितनी बार हम बाबू से पैसे मांगे, अब तो आशुवा को ठीक कर दो। कोई और नहीं मिला तो छिपकली को लेक्चर देने लगी।